हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 9 अप्रैल को हिमाचल दौरा है और वहीं मंडी में कल आम आदमी पार्टी का भी रोड शो रहने वाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रोड शो में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे रोड शो में। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली है। हिमाचल प्रदेश में ये साल चुनावी साल है और ऐसे में इस समय तमाम राजनीतिक दल काफी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपना जनाधार तलाशने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। देवभूमि में राजनीतिक गर्माहट अब शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ 9 अप्रैल को जेपी नड्डा का दौरा रहने वाला है, वहीं कल आम आदमी पार्टी का रोड शो भी रहेगा। लेकिन देखना होगा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में कौन से मुद्दों को उजागर करती है और किन मुद्दों के आधार पर इस बार के जो चुनाव है उनमें ताल ठोकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी में कल आम आदमी पार्टी का रोड शो रहने वाला है और दिल्ली के सीएम यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही पंजाब के सीएम भी यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद 9 अप्रैल को जेपी नड्डा का दौरा रहेगा। तो देखिए, राजनीतिक दौरे अब शुरू हो चुके हैं, चुनावी प्रचार अब शुरू हो चुका है और तमाम राजनीतिक दलों की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें या बात बीजेपी की करें, आम आदमी पार्टी की करें, तो कह सकते हैं कि इस समय सरगर्मियां तेज हैं और तीनों ही राजनीतिक दल काफी मेहनत करते भविष्य में नजर आ सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, लगातार चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो ये कहती आई हैं कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपना जनाधार टटोलने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में क्या समीकरण इस बार चुनावी साल में बनते नजर आ रहे हैं? देखिए दीपशिखा, अगर आम आदमी पार्टी किसी चीज के ऊपर बैंक कर रही है तो वो है 6 तारीख को, यानी कल जो मंडी में उनके एक आला नेता केजरीवाल की जो रैली होने वाली है, रोड शो होने वाला है, उसके ऊपर सबसे बड़ी नजर और असर भी उसको अगर हम कहें तो ये कल की बैठक के ऊपर ही रहने वाला था। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी चाहती थी कि कुछ बड़े चेहरों को केजरीवाल के दिल्ली से यहां मंडी में पहुंचने तक कुछ बड़े चेहरों को इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन एक बड़ा झटका खबर के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के इन मंसूबों को लगा है, क्योंकि उससे पहले आज जब आम आदमी पार्टी के उसमें चेहरे जो बड़े शामिल होने की बात कही जा रही थी, उनमें कोई भी बड़े नेता, जैसे कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बड़े कांग्रेस और भाजपा के नेता आएंगे, सुखराम परिवार का नाम लिया जा रहा था, महेश्वर सिंह जैसे चेहरों को बीजेपी से लाने की बात चल रही थी, लेकिन इन तमाम बड़े चेहरों ने दूरी बनाई है। एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को इसको दीपशिखा हम मान सकते हैं। हम आपको बता दें, आज आप पार्टी में जो शामिल हुए हैं उनमें कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष मंडी कांग्रेस से कांग्रेस के सचिव रहे हैं जिला मंडी के दीपक शर्मा, ये एक ऐसा चेहरा है जो मतलब आप कहेंगे कि किसी को पहचान में जरूर आ सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। इसके अलावा युवा पूर्व पंचायत प्रधान है जो मुख्यमंत्री के खुद के इलाके से रहती हैं, और ये जमुना चौहान हैं जो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं, और तीसरा नाम है बीआर कौंडल, सेवानिवृत्त एडीएम है। यानी आम आदमी पार्टी के उन मंसूबों को हवा निकलती जरूर, इसको हम खबर के रूप में कह सकते हैं कि जरूर आज दिखाई दी है कि बड़े चेहरों ने उनसे दूरी बनाई है, और कल केजरीवाल की इस बैठक से रोड शो से पहले आम आदमी को कोई बड़ा चेहरा जो है पार्टी में शामिल करने के लिए अभी तक नहीं मिला है। दीपशिखा, बिल्कुल अरुण, और देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो दावे तो तमाम किए गए थे जैसा कि आपने बताया, लेकिन फिलहाल वो धरातल पर नजर नहीं आया। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि चुनावी साल में आम आदमी पार्टी अपनी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में ताल ठोक रही है, तो कौन से मुद्दों पर सवार रहेगी? देखिए दीपशिखा, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में अगर अपनी जगह बनानी है या अपनी जगह तलाशनी है तो उनके लिए यही था कि वो कितनी जल्दी, क्योंकि समय उसको बहुत कम मिला है, और हिमाचल में वो पहली बार पहल करती दिखाई दे रही है कि 68 की 68 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन बैकफुट पर आम आदमी पार्टी तभी चली गई थी जब शिमला नगर निगम में 41 वार्ड के अंदर यहां पर चुनाव होने हैं,
पहले ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शिमला नगर निगम के चुनाव में भी वो एक बड़ी जो है धमाकेदार एंट्री करेंगे, और उसके साथ कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अपने करिश्माई नतीजों के बाद हिमाचल की धरती के भीतर भी इस पहाड़ की भी चढ़ाई करते हुए यहाँ जो आम चुनाव होंगे उसमें एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा तहलका मचाने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे। चेहरों की तलाश थी, चेहरों के साथ लगातार संपर्क यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो लगातार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के कल के रोड शो से पहले नहीं मिलना ये संकेत दे रहा है, और उसके साथ साथ पीछे हट जाना ये जो शिमला नगर निगम के चुनाव हैं उनके 41 वार्ड के भीतर चुनाव में उतरने का जो उनका दावा पहले किया जा रहा था उससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए राह बहुत आसान नहीं होने वाली। उसकी तलाश तभी खत्म होगी जब कांग्रेस और भाजपा के सब बड़े नेताओं को ये पता लग जाएगा कि उनका टिकट नहीं मिलने वाला, तब आम आदमी पार्टी की तरफ दौड़ होती दिखाई देगी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अभी तो सिर्फ वेट एंड वॉच की राजनीति है, और कल के रोड शो के बाद कई चीजें और साफ होती जरूर नजर आएगी दीपशिखा, लेकिन अभी बहुत बड़ा कमाल करती है आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के भीतर आज की स्थिति में, आज के वक्त में नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, और देखिए अरुण, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश के वोटर्स की भी बात करें तो वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार इन्हीं दलों में चुनाव होता आया है और इन्हीं दलों को पसंद भी करते आए हैं हिमाचल प्रदेश के वोटर्स। ऐसे में एक तीसरे मोर्चे का आना कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? देखिए दीपशिखा, ये एक ऐसा सवाल है, मतलब आप देश के भीतर बाकी चुनावों को देखते रहे होंगे, पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन बाकी जो चार राज्य है, उत्तराखंड में उसको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, उत्तर प्रदेश के अंदर वो कोई करिश्मा नहीं कर पाई, और हिमाचल एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जहां पर बहुत जागरूक मतदाता को माना जाता है, और हिमाचल प्रदेश की एक मानसिकता रही है, देखिए यहां का वोटर लगातार एक बात को देखता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है। अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि हिमाचल का मतदाता केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसका साथ देना पसंद करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी का साथ देता है लेकिन पसंद उसको करता है, बहुत जागरूक मतदाता है, पढ़ा लिखा है, और एक एक बात राजनीति की सभी के घर में रसोई में वहां पर डिस्कस होती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर सिर्फ ये कयास लगा रही है कि जो नाराज नेता है उनके कुनबे को लेकर कुछ नए लोगों को, नए चेहरों को खड़ा करने के बाद वो एक बदलाव की स्थिति में आ जाएगी, कांग्रेस और भाजपा की नाराजगी को भुनाने में सक्षम हो जाएगी, ऐसा आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल के मतदाता को ये मालूम है कि अगर इस प्रदेश के विकास में कोई अहम रोल अदा करेगा तो ना केवल यहां पर बनने वाली सरकार होगी बल्कि दिल्ली में जिसकी सरकार होगी उसकी भी मदद हिमाचल प्रदेश के जरूर पड़ती है, क्योंकि आर्थिक तौर पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र की बैसाखियों के ऊपर चलना ही पड़ता है, और यही वो वजह है कि हिमाचल का मतदाता सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाएगा, उस पर संशय कम से कम हमें नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी भले ही इसका दावा करे ना करे। तो बीजेपी की ओर से भी तैयारियां यहां पर की जा रही है, आम आदमी पार्टी की ओर से भी तैयारियां की जा रही है अरुण, लेकिन बात अगर कांग्रेस की जाए तो प्रचार को लेकर और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, चुनावी साल को देखते हुए कांग्रेस की तैयारियों की स्थिति क्या है? देखिए दीपशिखा, सबसे दिलचस्प सवाल आपने अब पूछा है, और सबसे बड़ी बात यही है, हम कल की खबर में भी हम एक बात को कहते रहे कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार की ताकत अपने बड़े चेहरों को लेकर, अनुराग ठाकुर इससे पहले ऊना आ चुके हैं, 9 तारीख को यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आ रहे हैं, संगठन पहले से ही चार अपने जो लोकसभा के सीट है उसके ऊपर काम कर रहा है, बूथ लेवल तक पहुंचने का वो काम कर रहा है, और एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत भाजपा ने अपना जो है जाल बिछाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 6 तारीख को भाजपा का स्थापना दिवस भी है, तो ये जो अरविंद केजरीवाल की रैली है उसका एक बड़ा जवाब कल भाजपा 6 तारीख को ही देती दिखाई देगी, और ये फील्ड सजी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति देखिए दीपशिखा कितनी असमंजस वाली बनी हुई है, कांग्रेस के नेता अभी भी आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और लगातार मनोबल जो कांग्रेस के नेताओं का था, पिछली ये जो चार उपचुनावों में जीत मिली थी एक बड़ा उनको मनोबल बढ़ा था, उसके बाद चार राज्यों के नतीजे के बाद ये कुछ गिरा भी जरूर होगा, लेकिन असमंजस की स्थिति आलाकमान का फैसला ना ले पाने। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार ये जो चुनावी साल हैं तीनों राजनीतिक दल क्या कुछ कमाल कर दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।